हेलो गाइस, स्वागत है आपका लाइव विद प्रियांश चैनल पर। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे फ़ोन ख़राब हो गया था, मतलब ख़राब तो नहीं, मतलब एकदम उसमें जो स्टोरेज थी ना वो फुल हो चुकी थी और मैंने कुछ भी ऐसा डाउनलोड नहीं कर रखा था, मतलब जैसे वीडियो भी इतनी भी नहीं थी, वीडियो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कोई ऐप भी नहीं था मेरे में और नया फ़ोन था। गाइस, ये मानने कि पुराना ही फ़ोन हो तब तो मानने भी कि पुराना फ़ोन हो चुका था, नया फ़ोन था बिल्कुल। तो सभी को ऐसा हो गया, मैं कल पूरा दिन लगी रही लेकिन हुआ ही नहीं वो ठीक। तो फिर आज पापा फिर मैं पता था, फिर बिल्कुल रीसेट करना पड़ता फोन, सारा डाटा वगैरह उठ जाता। तो मैं सोच रही थी कि डाटा वगैरह ना जाए, तो फिर इसीलिए तो क्या फिर पापा आज लेके गए फोन को, तो फिर उन्होंने भी कहा कि और कुछ नहीं हो सकता, इसका दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा फ़ोन, सब कुछ चला जाएगा। फिर पापा ने वहाँ पे तो नहीं करवाया लेकिन हम पूछ गए कैसे क्या करना है फिर, क्योंकि मेरे फ़ोन में जो डेटा था ना, फिर हमने वो लैपटॉप में ट्रांसफ़र करा, फ़ोन टू लैपटॉप करके हमने फिर वो ट्रांसफ़र किया और फिर इसे दोबारा रीसेट किया, सब कुछ दोबारा से इंस्टॉल किया, इंस्टाग्राम, YT, सब कुछ हमने दोबारा इसमें इंस्टॉल किया है ना मम्मी। और मेरी जो रील्स है ना सारी YT पे जितनी भी रील्स थी मैंने स्टोर कर रखी डी ड्राफ्ट में, वो सारी चली गई और इसलिए एक भी रील नहीं बची जो कि डाल दी। और इसलिए आज मैं फैशन में आ रखी हूं। भी नहीं रही थी उसमें, थी तब भी, कल भी नहीं डल रही थी, वे पता नहीं कहां ही आए गोरी थी, क्या हो गया कल तो इसलिए नहीं डल रही थी क्योंकि कल तो इसलिए नहीं डल रही थी, नेटवर्क इशू था गाइस, कल तो इसलिए नहीं डल रही थी। और वो बिल्कुल स्टोरेज फुल थी ना, तो बिल्कुल फुल 128 GB है ना मेरे फोन में, तो 128 की 128 GB हो रखी थी उसमें फुल बिल्कुल। तो फिर इस मारे दिमाग खराब हो गया कल तो पूरा ही, कुछ ओड़े पड़े कने इसके भी हो गया। फिर मम्मी और को तो टेंशन हो गई क्यों वगैरह कि पापा आज घर पे ही हैं क्योंकि 12 बज चुके थे मेरे इस काम में लेके गए थे, तो हमारे मारे क्यों खराब हुए और सारा के ठीक है मम्मी पापा जाके देख रहे थे। तो अभी पापा गए हुए खेत में देखने के लिए, देखे देख लेंगे जी कर्म में दिखाऊंगे जी। गाइस यहाँ पर देखना गेहूं की क्या हालत है, क्या नहीं है। और आज तो सारा दिन ऐसे ही चला गया क्योंकि जैसे मैंने बताया 12 बजे पापा आए, फिर हमने वो सब कुछ किया, डाटा ट्रांसफर किया, सब कुछ हुआ, 1:30 बज गया, फिर ये बाबू मेहर आगे सब उनको पढ़ाया, फिर आई सिर धोया, फिर क्या करा एडिटिंग करी, एडिटिंग का नामो निशान नहीं, फिर एडिटिंग करी 4:30 3 बजे जाके, इसने मेरे ख्याल में कुछ खाया भी ना होगा ना ये। हाँ वो चीज खाई थी, हाँ बस वही खाया था। और बस आज हमारा मन कर गया नितेश ने कहा, मेरी एक वीडियो है ना गाइस इंस्टा पे 1 लाख भी, हाँ 1 लाख व्यूज आ गए उस पे, तो उस खुशी में तो खुशी तो थी कि मेरी पहली वीडियो 1 लाख चलेगी। और ना झूठ नहीं बोल रही, जाके देख सकते हो आप, झूठ नहीं बोल रही आप, जाके देख सकते हो, चेकआउट भी कर लेना, स्क्रीन शॉट लगा दूंगी बिल्कुल। हाँ खुशी भी थी बहुत बहुत। तो नितेश ये कह रहा कि पार्टी, मैं कह रही मेरे है ना 1000 सब्सक्राइबर होने, तो जब एकदम अच्छी वाली पार्टी दूंगी सभी को, नहीं मैं तो सेपरेट लूंगा। मम्मी कैसे हो गया फिर उसका जब मैंने 20 रुपए दिए उसने के वो करना था, हाँ ये 2-4 चीज लिया यार, लूने भी ना था फिर देखो गाइस फिर है ना क्या करा उसने कि मेरा भी मन कर गया फिर खाने का, फिर कह रहा नहीं मेरा, उसने तो खा लिया चावल खा लिया उसने, फिर है ना कह रहा नहीं मैं नहीं जा रहा ये नहीं कर, फिर मेरा मन करेगा मेरे को नहीं पता, वो हर बार यही करता है, मैं जब भी कहते ना लिया मैं तो जा नहीं सकती गाइस देखो दुकान पे, तो अब वो ही जा सकता है। और वो है इतने नखरे दिखाता है ना, इतने नखरे है क्योंकि वो खुद भी ना खाता, क्योंकि वो खुद ना शौक उसने ना वो खाता, तो वो कहता मैं नहीं खा रहा था तुम मम्मी खाओगे उसका ये है, हम नहीं खाते गाइस, हम तो जब नाना हार के जाते हैं ना तब तो उसे भी शौक हो जाता है और मेरे को भी शौक हो जाता है, नाना हार के घर की चीज तो अलग ही होता है ना गाइस। और आज मैं और है ना मम्मी नाटती रहोगी नाना मम्मी ना तुम खा दे होंगे तुम भी। और देखो गाइस आज मैं फैशन में आ रखी हूँ और हवा कितनी तेज चली हुई है अंदर, तो सोची कोई मरेगी आते कुछ नहीं होगा आपकी बेटी ऐसी स्ट्रांग बनेगी। अरे सोचा तो नहीं था कि एक दो रील बना लूंगी, यहाँ पे गेहूं के खेत है तो यहाँ पे आस पास से, तो सोची थी इसीलिए आज मैं फैशन में आ गई। अब देखते हैं बनती है नहीं बनती, वो तो नहीं एक दो तो बना दूंगी फिर इसलिए। और नजर आ क्योंकि इसका 3-4 दिन बाद पता चलेगा। अच्छा सारी
ठीक है ना, और वहाँ आस पास दिखाऊंगी कैसे क्या गेहूँ हो चुके हैं कैसे नहीं हुए। तेरे पापा भी जा रहे खेत में। तो गाइस आज और कल का दिन तो मेरे लिए ऐसा था, सिर दर्द था, और मैंने अपने ब्लॉग का टाइटल भी डाल रखा है बैड डे, और मेरे लिए सच्ची में वो कल का दिन बहुत ज्यादा बैड था। मेरा फोन सोचेंगे एग्जाम के भाई है ना। नहीं 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 बैड डे वैसे नहीं था, एग्जाम बढ़िया रिजल्ट आया सभी का, मेरा भी, नितेश का भी, एकिता का भी अच्छा रिजल्ट आया सभी का। अपने मार्क्स रिवील नहीं करने चाहिए किसी को भी, नहीं करने चाहिए, चाहे अच्छा हो तब भी चाहे बुरा आए हो तब भी। अपना ये है कि ठीक है नेक्स्ट स्टेप चले गए, ट्वेल्थ में और ज्यादा मेहनत करेंगे, करो ट्वेल्थ में और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, और अच्छे अब भी है, अच्छे तो अब भी आ जाएंगे, बढ़िया है, पर ऐसे भी आ जाएंगे तब भी अच्छे है। ठीक है तो बैड डे था कल मेरा, आज भी मेरा बैड डे, हाफ हाफ बैड डे है। बैड डे क्या हुआ है, अच्छा होता है बेटा जो दिन बीत जाता वो अच्छा होता है, आने वाले दिन का किसी को नहीं पता होता, समझ गए। बैड डे नहीं होता कभी नहीं बोलना लाइफ में, जो अच्छा जो बीत चुका है ना वो हमेशा ही अच्छा होता है, क्योंकि आने वाले कल का किसी को नहीं पता होता। तो अब मैं इससे अपने हाथ से पूछूंगी गाइस, मेरे तो ये मुझे जब भी ठंड लगती है ना मेरी आंखों से पानी आने लग जाता है, ये मैं समझ मैं रो रही हूँ कि मेरे मार्क्स पर, नहीं 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 ऐसे मैं कभी नहीं रोती हूँ, लेकिन आंसू इसलिए आ रहे क्योंकि ठंड है। तो चले चलते हैं, और इतनी स्लोली स्लोली चला रहे हैं ना, मतलब नवीना के साथ चल रहे हैं दीपांशु, और मैं भी इनको बताऊंगी, लड़कों को भी और लड़कियां नहीं, और अब मम्मी खुद भी भागेंगी। तो चले चलते हैं। तो गाइस अगर अब मैं आपको हमारे यहाँ के गेहूं की हालत दिखाऊं तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है, लेट चुके हैं सभी के गेहूं, एक बार दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे। देखिए गाइस ये गेहूं है और ये बिल्कुल लेट चुके हैं, आप देख सकते हैं घूम करके दिखा देती हूँ, बिल्कुल ऐसे लेट चुके हैं, और अगर आप पीछे देखोगे ना तो कई ओके गेहूं तो येल्लो भी हो चुके थे, लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है फसलों का इस बार। देखिए लेट चुके इस वाले जो किले के है ना, हम तो यहाँ पे किले कहते हैं, इस वाले किले के तो लेट गए, मतलब बीच बीच से के वो हैं, पानी पानी तो ही रखे होंगे, और सभी ने अभी मम्मी पे कह रही थी आखिरी टाइम आ रखा है, तो सभी ने अपने पौधों में, हाँ तो सभी ने अपने पौधों में पानी दे रखा था गेहूँ में, क्योंकि आखिर लास्ट टाइम आ रखा है ना, तो अभी और ज़्यादा पानी, तो मम्मी कह रही है कि बिल्कुल ये वाली बारिश तो नुकसानदेह ही होती है, और इसे देखिए इसे हमेशा कबाड़ मिलता है। तो चलिए गाइस दिखा दी हमने यहाँ पे हमारे गेहूँ की हालत तो कुछ ऐसी है, आप बताना आपके वहाँ के गेहूँ बच गए बारिश आई या नहीं आई, आपके वहाँ के गेहूँ के भी ये हालात है, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके वहाँ क्या है क्या नहीं। और आप पीछे देखिए वहाँ पे पीछे ना येल्लो रखे थे, और मम्मी ये कह रही है कि अभी तो नहीं पता लगेगा, मतलब दो तीन दिन बाद पता लगेगा, मतलब फसल कैसी है, ख़राब हुई बचेगी क्या नहीं हुआ, तो तीन चार दिन बाद पता लगेगा उस चीज़ के बारे में हमें, तो आप अभी यहाँ पे मोटा मोटा देख लीजिए। हमारे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ क्या कहते हैं ओले गिरे, ओले 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 गिरे, ओले ओले पता नहीं मुझे नहीं कहना आता। तो चलिए देखिए ऐसे मौसम अच्छा रखा है, बारिश कह रही हूँ, हवा चल रही है थोड़ी सी, और मैं फैशन में आ रखी हूँ तो सोच रही हूँ फैशन का क्या आ गई हूँ तो थोड़ा लाभ उठा लूँ उस चीज़ का। तो गाइस घर आ चुके थे, और आज इसके पापा भी घर पे थे और गए थे खेत में हमारे गेहूँ देखने के लिए। तो बताइए जी गेहूँ का हमारे का क्या हाल चाल है? ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो गाइस वैसे न्यू है जिनने पानी दे रखा था ना जी, हमने भी पानी दे रखा था, थोड़े गिर गए लेकिन हाँ, तो वो बिल्कुल ऐसे बिछ चुके हैं जैसे कि प्रिया ने वहाँ दिखाया था ना आपको खेत में, ऐसा ही हाल हमारे गेहूँ का हो रखा है, क्योंकि हमने भी अब दो तीन दिन पहले ही पानी दिया था, है ना जी। तो देखना जी बैल बजी गाइस कोई आया है, तो इसके पापा जी देख रहे हैं कि कौन आया कौन नहीं। दूध वाले आए हैं दूध देने के लिए, तो वो दूध ले रहे हैं, तो मैंने बना दी बच्चों के लिए, अब बना रही जा रही हूँ चपाती रोटी, हमारी भाषा में रोटी। तो गाइस और गाइस एक और खुशी खबरी है, लेकिन वो मिल जाएगी तब आप तो शेयर करेंगे, दिखाऊँ भी है भाई, प्रिया के काम तो रिलेटेड है तो आपको दिखाऊंगे, और प्रिया की पहली वीडियो इंस्टाग्राम पर गाइस
एक लाख व्यूज आ चुके हैं उस वीडियो पर, और वो वीडियो मतलब कंटिन्यू चल रही है कंटिन्यू। तो बट पहली वीडियो ऐसी है, हमने 50,000 पे भी नहीं बताई आपको, और लेकिन अब 1,00,000 टच कर गई तो हमारे घर में तो बहुत खुशी का माहौल है। लेकिन अब हमने सेलिब्रेट इसलिए नहीं किया क्योंकि है ना जी, क्योंकि प्रियांशी का वो होने वाले हैं 85 हो चुके हैं सब्सक्राइबर कंप्लीट। तो हमने सोचा है कि भाई अब बस 15, आप जल्दी से 15 सब्सक्राइबर और कर दो तो फिर ये है कि 1K सब्सक्राइबर यूट्यूब पर भी कंप्लीट हो जाएंगे। और इंस्टा पे तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ ही रहा है, और इंस्टा से और क्या खुशखबरी है, वो जब मिल जाएगी तब आपसे शेयर करेंगे कि क्या खुशखबरी मिली है, ठीक है। और तो गाइज आज के ब्लॉग में अब बस इतना ही दिखा रहे हैं क्योंकि हमने आज आपको अपडेट देना था कि भाई मौसम के बाद हमारे यहाँ फसल का क्या हालचाल है, और हमारे तो पौधे भी जहाँ गिरे ना वहीं से ऐसे हो चुके हैं। और बाकी इसके पापा बोल रहे थे कि 2-3 दिन बाद पता लगेगा क्योंकि जो बाल वगैरह जो नीचे जो गिरे हैं ना जो टूटे तो वो सूख के पता लगेगा, अभी तो वे ऐसे दिखाई दे रहे कि बिछड़े हैं, तो वो नीचे से जो नुकसान हुआ है वो 2-3 दिन बाद पता लगता है। तो इसीलिए और बच्चे यहाँ देख रहे हैं अपना टीवी। और गाइज कल, वैसे तो कल से इनके स्कूल स्टार्ट हैं, तो वही कल क्या सोचा है? कल मैंने मैसेज करा था अपने फ्रेंड के पास, सारे कह रहे हैं कि महाशिवरात्रि के बाद से ही आएंगे, मतलब 7 तारीख के बाद ही आएंगे सारे। तो गाइज फिर अकेली लड़की करेगी क्या जाके? तो जैसे गर्ल्स सर्कल में हो ही जाता है कि भाई सभी एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि तुम आओगी थोड़ा सा भी बड़ी क्लास में, तो इसीलिए हमने तो इन्हीं पे छोड़ रखा, कल से जाएंगे, कल से हम तो रेडी हैं भेजने के लिए, जब इनका मतलब भाई पढ़ना ही नहीं को है। और नितेश से पूछते हैं, नितेश को कल बलि का बकरा बनाएंगे, हम नितेश को कल भेजेंगे ये देखने के लिए कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए तो गाइस लाइट एक ही जला रखी है क्योंकि बच्चे टीवी देख रहे थे ना, शूटिंग का कुछ वो नहीं था प्रोग्राम। तो नितेश आपने क्या सोचा भाई बताओ गाइस को? नहीं ऑन कैमरा ही बताना पड़ेगा, कल आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? हम नितेश को बलि का बकरा बना के भेजेंगे। हां ओके गाइस, थोड़ी सी गर्मी हुई है अभी से, मच्छर नजर आने लगे अब। अरे गाइस मैं बता रही हूँ कि है ना, बलि का बकरा इसे हम बना के भेजेंगे, कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये बता देगा हमें कि स्टडी हुई या नहीं हुई। बलि का बकरा बनेगा ये, इसे हम भेजेंगे। नितेश आपको क्या राय है? देख दो अब ये सबके सामने नहीं बताएगा। और तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्रिया इस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को करना लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ गाइस जल्दी से, बस 15 सब्सक्राइबर की कमी है, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए कम्प्लीट, फिर आपको सेलिब्रेशन करेंगे हम, क्योंकि बहुत कुछ अभी वो ही बात है होना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ, आपकी जिम्मेवारी है ये। तो बाय बाय।